आपके सामने क्रूड ऑयल का ये 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे हमने इसमें एंट्री बना ली है। 6475 पे बाई कर लिया है क्रूड ऑयल को और टारगेट लगा दिया है 6475, मतलब 100 पॉइंट का टारगेट लगा दिया। मतलब अगर ये टारगेट अचीव होता है तो 10,000 का प्रॉफिट होगा। अभी ये वीडियो मैं इस लेवल पे बना रहा हूँ, ये लाइव है क्रूड ऑयल, ठीक है। ये एक क्लिप बनाऊंगा ताकि आप लोगों को यकीन हो सके कि मैंने सच में इसमें ट्रेड लिया है या फिर नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है। और चलो मैंने ट्रेड नहीं भी लिया है, ठीक है, समझ लो, लेकिन ये एनालिसिस तो मेरा करेक्ट हो रहा है ना। मतलब मैं यहाँ पे आपको एंट्री दिखा रहा हूँ और अभी जो एंड में जो टारगेट अचीव होगा उसका भी क्लिप बनाऊंगा, तो आप खुद जाके चार्ट पे इसे चेक कर सकते हो कि ये हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। देखो, स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वही काम करता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे स्टॉप लॉसेस हंट नहीं होते, हमारे भी स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे एहतियात बरत के पूरा स्टडी करके ही ट्रेड लेते हैं। बाद में उसमें जो भी हो जाए वो तो सभी के साथ होता है, प्रो ट्रेडर्स भी होते हैं, उनके साथ भी होता है। दोस्तों, मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों, अब इस ट्रेड में एंट्री लेने का लॉजिक क्या था? तो कल के दिन हमने यहाँ पे फ्लैग पैटर्न देखा था और उसमें एंट्री करके यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो आज के दिन क्या हुआ है कि यहाँ पे गैप डाउन होता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो ये सब कुछ हो क्या रहा था। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने के बाद, बैंक निफ्टी का अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसमें भी मैंने आपको बोल दिया है कि यहाँ पे फिर एक बार शायद ठीक है, परफेक्टली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एनालिसिस तो एनालिसिस ही होता है, परफेक्शन कोई भी ऐसा नहीं, बंदा नहीं होता है मार्केट में कि जो बोले कि ऐसा ही हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे फिर एक बार ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ठीक है, और हमारे लिए ये हायर हाई का काम कर रहा है। ये जो है, ये जो लाइन मैंने खींचा है वो हायर हाई का काम कर रहा है और अभी यहाँ पे हायर हाई के ऊपर ही है। तो मार्केट का तो टेंडेंसी होता है, अगर आप देखो यहाँ पे फिबोनाची भी निकालो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ ये फिबोनाची आपको क्या दिखाएगा कि इस लेवल तक मार्केट आएगा और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। तो आ गया ना 0.618 पे आ गया। अब यहाँ से नीचे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ऑपरेटर के लेवल पे आएगा, ऑपरेटर का जो लेवल होता है 0.786 का, तब ये इसी लेवल से ऊपर की तरफ जंप करेगा, ठीक है। अब ये 100% भी नहीं होता है, ठीक है, इसमें भी क्या दिक्कत होती है कि इसमें भी फॉल्स हो सकता है, हमारे एनालिसिस गलत हो सकता है। तो अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो मैं आपको कल के वीडियो में बोला था कि ये जो कैंडल्स के हाइज होते हैं, अगर अभी तो क्लोज़ नहीं हुआ है ये ग्रीन कैंडल, अगर इसके लेवल के ऊपर क्लोज़ कर देना तो आप समझ लो कि यहाँ पर जितने भी सेलर आए ना, सारे के सारे सेलर मारे गए, ठीक है। अभी क्लोज़ होने के लिए 7 मिनट कम है और यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगा, अभी ये जो लाइन खींचा है वो सभी सेलर को मार देने वाला लाइन है, ये जो ब्लैक लाइन है, इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा स्पाइक होगा और बहुत ज़्यादा बायर भी आएगा, ठीक है। तो हालांकि ये भी यहाँ पर तो हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, अब इस ब्रेकआउट का कितना इम्पैक्ट होता है ये भी देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली ऊपर जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर सेल करेगा, फिर हायर हाई बनाएगा, फिर हायर हाई, ऐसे करके हमारा टारगेट अचीव। तो देखेंगे, वॉच करते रहेंगे और क्या होता है देखेंगे, और उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के क्लिप एंड में टारगेट और ये क्लिप एक करके आपको एक कंप्लीट वीडियो पोस्ट कर दूंगा। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था पहले क्लिप में, जो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका था और जब हमने यहाँ पे एंट्री लिया था तभी मैंने वो वीडियो भी बनाया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ तक गया है, आप ध्यान से देख सकते हो। क्रूड ऑयल इसको थोड़ा चौड़ा करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो लाइन मैंने खींची है, अब इसके पहले इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे क्यों खींची है, तो ये जो कैंडल है, देखो आप यूट्यूब पे जूम करने का ऑप्शन है, उसकी मदद से जूम करके इस एरिया को देखिए, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सेलर आए यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी कैंडल देखिए, आधा घंटा मार्केट इसी लेवल के नीचे रहा और जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा यहाँ तक ऊपर तक बाइंग आया। बाद में यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से काफ़ी रेड कलर का कैंडल बन गया, बड़ा बेरिश एनगल्फिंग बार,
ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। ये आप यहाँ का जो प्राइस है उसको उड़ा देते हैं। इस लेवल पे आपको ये समझना होता है कि प्राइस एक्शन, अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न के मेरी सीरीज नहीं देखी है तो उसे देखना। पहली कैंडल का, कैंडल के आधे से भी ज़्यादा हिस्से के नीचे अगर रेड कैंडल आ गई, ठीक है, तो समझ लेना कि यहाँ से थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, मतलब मैं ये इस लेवल के नीचे नहीं आएगा शायद, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो यहाँ पे सेलिंग होगा और शायद उसके बाद बाइंग हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है भी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ओके, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए जब ये रेड कैंडल बन रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लिया, इसके हाई तक फिबोनाची मार्क कर लिया। तो अभी यहाँ से ऊपर की साइड पे बाउंस हो सकता है, होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही अगर कोई ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के हाफ एरिया के ऊपर क्लोज कर देता है, ठीक है, इसके मेडियन के ऊपर क्लोज कर, या फिर बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन के इसके भी ऊपर चला जाता है, तो वापस हम इसमें एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है। अब ये लॉजिक क्यों लगाया हुआ है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मार्केट है ना, देखो यहाँ पे जो भी सेलिंग हुआ है, ठीक है, वो क्यों हुआ, यहाँ पे देखिए हाई लोअर हाई, ठीक है, फिर यहाँ पे लोअर हाई बनाया था, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे आके फिर लोअर हाई बना के नीचे ही जाएगा, ठीक है। यह लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री क्यों किया है, तो उसका पीछे की वजह जो है ना वो आपको बताता हूँ। देखिए अभी हम पहले देखते हैं ट्रेंड, ट्रेंड पे मैंने अच्छा वीडियो बना दिया है, ठीक है। कभी भी इस बात को ध्यान में रखना कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो हायर हाई, सॉरी यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे हायर हाई बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे हायर हाई बनाया, और अभी यहाँ पे भी उसने हायर हाई ही बनाया है, लेकिन ये हाई जो है ना इन हाईज के कंपेयर में काफ़ी नज़दीक बनाया है यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ की सिचुएशन से, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हायर हाई बना लिया है, तो यहाँ पे एक तो क्या होगा कि ये है हायर हाई, एक तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, इस लेवल के नीचे नहीं आ रहा, यहीं से ऊपर जाएगा, ठीक है, ये मेरा एक लॉजिक है। और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे बताना था वो ये था कि इसके ऊपर बायर नहीं आ रहे, इस लेवल की ये जो ब्लैक कलर है इसके ऊपर बायर तैयार ही नहीं है, इस लेवल के ऊपर बाय करने, और सेलर जो है ना वो इस लेवल के नीचे जाने को तैयार नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं इन दोनों में क्या होता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, कोई तो कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर या फिर इसके मीडियन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, तो यहाँ पर रिस्क लेने में कोई बात नहीं है, लेकिन अभी ओवरऑल आज का हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है, ये सिर्फ मैं एक एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ, इसके आगे मैं ट्रेड नहीं लूँगा आज के दिन, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर यहाँ से ऊपर जब भी जाता है तो अभी मैं सिर्फ इसको ऑब्जर्व करते रहूँगा, आज कोई ट्रेड नहीं लूँगा। आज 2800 रुपीज़ बने हैं, उतने ही काफ़ी है, हर रोज़ की तरह 8000-10000 नहीं बनते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस मैंने अभी यहाँ पे बताया, अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव के साथ जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।